रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं अर्थात शुगर की बीमारी बोलते हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लाभ हो सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो की जानकारी आपको मिले, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपकी वीडियो की जानकारी मिल जाए। घरेलू नुस्खों में नंबर 1, जामुन की गुठली का चूर्ण 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, गुड़मार बुट्टी 100 ग्राम, सबको कूट पीस कर कबड़छन कर लें और ग्वार पाट्टे के रस में घोटकर जड़ बेर के बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार शहद के साथ लें। 1 महीने तक लेने से आपको अवश्य लाभ होगा। आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें बता रहे हैं, इनके ऊपर आप अमल कीजिए। जैसे खूब व्यायाम करें, प्रतिदिन अर्थात हर रोज 30 ग्राम गौमूत्र लें, हरी सब्जियां और फलों का अधिक प्रयोग करें, मीठे का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, दवा शुरू करने से 3 दिन पहले उपवास करें अर्थात व्रत रहें। आपको ये कुछ बातें बताएगी, इनके ऊपर आप अमल करें। नंबर 2, केवल चने की रोटी 7 दिन तक खाएं और खूब व्यायाम करें और गुल्लर के पत्तों के उबाले हुए पानी से स्नान करें। पानी एक साथ ना पीकर थोड़ा थोड़ा कई बार पिएं, इससे भी आपकी शुगर कम हो जाएगी। नंबर 3, हरी गिलोय का रस 40 ग्राम, पसाण बेद 6 ग्राम, शहद 6 ग्राम, तीनों को मिलाकर पीने से भी मधुमेह रोग दूर हो जाता है। नंबर 4, गुड़मार बुट्टी जामुन की गुठली दोनों को संभाग लेकर कूट पीस कर चूर्ण बना लें। हर रोज 6 ग्राम चूर्ण गर्म पानी के साथ सुबह शाम लें, इससे लेने से भी आपकी मधुमेह रोग खत्म हो जाएगा। नंबर 5, 20 ग्राम बिनोलों को कूट कर 600 ग्राम पानी में उबालें। जब चौथाई पानी रह जाए तब मलकर छानकर 10-10 ग्राम पानी दिन में 3 से 4 बार पिला दें, इससे भी आपकी शुगर कम हो जाएगी। नंबर 6, वट वृक्ष, इसको बड़ी या बरगद भी बोलते हैं, की छाल 400 ग्राम को 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब 20 ग्राम पानी रह जाए तब आग से उतार कर छान कर पिलाएं, इससे भी आपको मधुमेह रोग में लाभ मिलेगा। अभी आपको जो घरेलू नुस्खे बताए, इनका मकसद आपके जीवन को सरल उत्तम बनाना है, आपका जीवन मंगलमय रहे, इसलिए आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना है हमको कमेंट कीजिए और आप वो जब इनसे लाभ हो सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कीजिए।